वेलकम बैक इन दिस वीडियो। के पाठक का फर्जी टीचर वाला ट्रेलर जारी, क्या है अपडेट, आइए देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। के पाठक न्यूज, के पाठक का फर्जी टीचर वाला ट्रेलर जारी हो चुका है, क्या है अपडेट, आइए देखते हैं इस वीडियो में। के पाठक शिक्षकों के प्रति सख्त रवैया क्यों अपनाते रहे हैं, इसका खुलासा अब होने लगा है। एक ही सर्टिफिकेट पर बिहार के नियोजित शिक्षक कई जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। इस फर्जीवाड़े का पता चलते ही शिक्षा विभाग ने उनके प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है। अभी तक 1000 से ऊपर ऐसे शिक्षक मिले हैं जिनके सर्टिफिकेट एक ही हैं। जी हां दोस्तों, के पाठक शिक्षकों के प्रति सख्त रवैया इसलिए अपनाते आ रहे हैं, इसका खुलासा अब होने लगा है। एक ही सर्टिफिकेट पर बिहार के नियोजित शिक्षक कई जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। इस फर्जीवाड़े का पता चलते ही शिक्षा विभाग ने उनके प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है। अभी तक 1000 से ऊपर ऐसे मामले मिले हैं जिनके सर्टिफिकेट एक ही हैं। के पाठक ने पकड़ा नियोजित शिक्षकों का फर्जीवाड़ा, सर्टिफिकेट एक, अलग अलग जिलों में कर रहे हैं नौकरी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के रहते बिहार में नियोजित शिक्षकों की समस्याएं सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही हैं। नियोजित शिक्षक साल 2006 से ही काम कर रहे हैं। जब उन्होंने समान काम के लिए समान ओहदा या राज्यकर्मी बनाने की मांग की तो पहले टाल मटोल होता रहा। धरना प्रदर्शन और पुलिस के लाठी डंडे खाने के बाद भी शिक्षकों को सरकार ने राज्यकर्मी बनाने का वचन तो दिया, लेकिन के पाठक की वजह से इसमें सक्षमता परीक्षा पास करने की शर्त जोड़ दी गई। जी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के रहते बिहार में नियोजित शिक्षकों की जो समस्याएं थी सुलझने के बजाय और उलझती ही चली जा रही है दिन ब दिन। नियोजित शिक्षक साल 2006 से ही काम कर रहे हैं। जब उन्होंने समान काम के लिए समान ओहदा या राज्यकर्मी बनाने की मांग की तो पहले तो टालमटोल किया गया। धरना प्रदर्शन और पुलिस के लाठी डंडों खाने के बाद शिक्षकों को सरकार ने राज्यकर्मी बनाने का वचन तो दे दिया, लेकिन के पाठक की वजह से इसमें सक्षमता परीक्षा पास करने की एक शर्त को जोड़ दी गई। गले की फांस बनी सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा की शर्त शिक्षकों के गले की फांस बन गई है। पहले तो वे इसके लिए तैयारी नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, सक्षमता परीक्षा की शर्त शिक्षकों के गले की लगभग फांस ही बनती जा रही है। पहले तो वे इसके लिए तैयार ही नहीं थे, इसलिए कि परीक्षा ऑनलाइन होनी थी। नियोजित शिक्षक को में बड़ी तादाद ऐसी है जिन्हें कंप्यूटर का को भी नहीं मालूम। पहले तो नियोजित शिक्षक इससे कतराते रहे, लेकिन राज्यकर्मी की सुविधाएं पाने की ललक ने उन्हें परीक्षा देने पर मजबूर कर दिया। शिक्षकों के कंप्यूटर न जानने की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑफलाइन एग्जाम का भी विकल्प दे दिया। हालांकि सरकार की सख्ती के कारण पहले ही तकरीबन 2.5 लाख शिक्षकों ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया। जाहिर है लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों में बचे लोगों भी ऑफलाइन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, राज्यकर्मी बनने के लिए कहा जाए कि 2.5 लाख शिक्षकों ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया, जो रिमेनिंग बचे हैं, जो बाकी हैं, वे लोग भी ऑफलाइन परीक्षा से उन्हें गुजरना पड़ेगा। क्षमता परीक्षा जरूरी। के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने यह प्रावधान किया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जाँच परीक्षाएं आयोजित होगी। राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए इनमें किसी एक परीक्षा में पास अनिवार्य है। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने कुछ व्यवधान के बावजूद ऑनलाइन परीक्षा दी है। उन्हें अब भरोसा होने लगा था कि यह बाधा पार करते हुए राज्यकर्मी बन जाएंगे। के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने यह प्रावधान किया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन 5 परीक्षाएं आयोजित होंगी। राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए उनमें एक परीक्षा में पास होना अनिवार्य होगा, जो कि अभी हटा दिया गया है। अब नियोजित शिक्षक जो है शिक्षक बने रहेंगे। एक परीक्षा में पास करना अनिवार्य था, यह पहले था। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने कुछ व्यवधान के बावजूद ऑनलाइन परीक्षा दी है। उन्हें अब भरोसा होने लगा था कि यह बाधा पार करते हुए राज्यकर्मी बन जाएंगे। वे दूसरे सरकारी शिक्षकों के बराबरी में खड़ा हो सकेंगे, उनके वेतन भी आकर्षक होंगे। पर उनके इस सपने पर पानी फिरता नजर आ रहा है। पैरवी और गलत दस्तावेजों के आधार पर उनकी नियुक्ति का भाड़ा फूटने लगा है। इसके पीछे के पाठक का ही दिमाग बताया जा रहा है। पैरवी और गलत दस्तावेजों के आधार पर उनकी नियुक्ति का जो भाड़ा फूटने लगा है, इसके पीछे के पाठक का ही दिमाग बताया जा रहा है। परीक्षाओं के लिए आवेदन करते वक्त शिक्षकों को अपने शैक्षिक दस्तावेज कंप्यूटर पर अपलोड करने थे। जिन शिक्षकों ने फर्जीवाड़ा किया था उन्हें इस बात का अनुमान नहीं था कि परीक्षा पास कर लेने के बाद इस ओर किसी का ध्यान जाएगा, इसलिए कि फर्जीवाड़े के बावजूद वे पिछले 18 साल से सुरक्षित नौकरी कर रहे थे। के पाठक के निर्देश पर जब आवेदनों की स्क्रूटनी हुई
तो फर्जीवाड़ा पकड़ में आने लगा। सारे आवेदनों की स्क्रूटनी नहीं हुई, लेकिन जितने आवेदनों की हो पाई है उसमें 1000 से ऊपर ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें जिनके डॉक्यूमेंट्स में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। के पाठक के हाथ से यह बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। अब उन्होंने सभी शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी का निर्देश दिया है, वे खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फर्जी टीचर कर रहे हैं नौकरी, जांच में शिक्षकों के शैक्षिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सैकड़ों ऐसे मामले मिले हैं जिनमें एक ही प्रमाण पत्र पर कई कई जगहों पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। खासकर टेट, सीटेट, बीएड के प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा मिला है, जिनमें एक ही प्रमाण पत्र पर कई जगहों पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। खास करके टेट, सीटेट और बीएड के प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा मिला है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक जांच की प्रक्रिया अभी जारी है। अभी तक 1200 ऐसे शिक्षकों का पता चला है जिनके प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़े का संदेह है। यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। पहले चरण में जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट पर विभाग को संदेह हुआ है उन्हें भौतिक सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्रों के साथ बुलाया गया है। आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। यानी सरकारी के चक्कर में फर्जी सर्टिफिकेट पर पढ़ा रहे शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। के पाठक का तेवर इस मामले को लेकर इतना तल्ख है कि शिवरात्रि के अवकाश के दिन भी उन्होंने प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी का काम कराया। शिक्षा विभाग ने भौतिक सत्यापन के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है। कई चरणों में शिक्षकों को बुलाकर भौतिक सत्यापन होना है। इसके बाद शिक्षकों में हड़कंप मचा है। जिन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के आवेदन से भी अभी तक परहेज किया है वे इससे और भयभीत हो गए हैं। 23 को आ सकता है। शिक्षा विभाग और परीक्षा आयोजित करने वाले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा का परिणाम 23 मार्च को जारी करने की तैयारी में है। 221,255 शिक्षकों ने इसके लिए आवेदन किया है। पहले चरण की परीक्षा हो चुकी है। SERT को मूल्यांकन का जिम्मा दिया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं पर किसी भी तरह की आपत्ति के निराकरण के लिए इसमें 12 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। शिक्षक अभ्यर्थी 14 मार्च तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अगले ही दिन यानी 15 मार्च को आपत्तियों का निष्पादन होगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को मूल्यांकन करने वाली एजेंसी रिजल्ट उपलब्ध करा देगी। इसके बाद बोर्ड 23 मार्च तक शिक्षकों का रिजल्ट जारी करेगा। जी हाँ दोस्तों, 23 मार्च तक जो है नियोजित शिक्षकों का रिजल्ट जारी कर देगा। इस पूरी प्रक्रिया में उन लोगों की धड़कनें तेज हैं जिन्होंने मुखिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पैसे खिलाकर जैसे तैसे शिक्षक बनने की कोशिश की है। इस प्रक्रिया से वैसे नियोजित शिक्षक खुश बताए जा रहे हैं जो सही प्रमाण पत्रों और योग्यता के साथ स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे शिक्षक का बिग अपडेट इस वीडियो में, के पाठक का फर्जी टीचर वाला ट्रेलर जारी हो चुका है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है, ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।